हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घर पर सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम आप कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसके वजह से क्या होता है, बच्चे को तकलीफ होती है, बच्चा खुद दुखी हो जाता है। लेकिन क्या होता है, अनजाने में ही सही कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिनका हमें पता नहीं होता। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वो आपकी गलतियां बताने वाली हूँ जो प्रेगनेंसी में आप अनजाने में ही सही गलतियां करती रहती हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरी ऐसी ही यूजफुल वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास जो घंटी का बटन है उसे भी दबा लें ताकि मैं तब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब किसी महिला को पता चलता है कि वो गर्भवती है तो तभी से क्या होता है, महिला अपने बच्चे के बारे में अपने से ज़्यादा सोचने लग जाती है, क्योंकि उसे बच्चे के विकास की चिंता रहती है ताकि बच्चे का अच्छे से विकास हो, उसके बच्चे को कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है, गर्भ में जब बच्चे का अच्छे से विकास हो जाता है तो बच्चा हर चीज़ फील करने लग जाता है। अगर मदर दुखी होती है, ज़्यादा चिंता करती है, तो वो जो हार्मोन होते हैं वो सारे गर्भनाल के द्वारा बच्चे तक पहुंच जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, बच्चे फिर साइड इफ़ेक्ट होता है। आप जैसा भी सोचती हैं, जैसा भी फील करती हैं, सब बच्चे को भी फील होता है। तो चलिए अब बात करते हैं उन पांच गलतियों के बारे में जो आप अक्सर करती रहती हैं। तो उनमें सबसे पहली गलती होती है कि तेज़ धूप के अंदर चलना। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, जब प्रेगनेंसी आपका 8वां और 9वां महीना होता है, सभी को पता, तब से वो बच्चा आंखें खोलनी बंद करनी शुरू कर देता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले भी क्या होता है, बच्चे की इंद्रियां होती वो काम करना शुरू कर देती है। मतलब आप जैसे आप खुद देख लीजिए, अगर आप रोशनी के अंदर खड़ी है, जैसे आप धूप के अंदर खड़ी है, तो अगर आप आँख बंद कर लेते हैं लेकिन फिर भी आप धूप को अच्छे से महसूस कर पाती, उसकी गर्माहट को महसूस कर सकती है, और आप उसकी जो रोशनी होती है उसको भी महसूस कर पाती है। वैसे ही क्या होता है, बच्चा भी जो सूर्य की रोशनी होती है उसको महसूस कर पाता, बच्चे तक गर्माहट जाती है। और साथ ही क्या होता है, कुछ टाइम ऐसा होता है कि बच्चे सोए हुए होते हैं और एकदम से ऐसे सूर्य की तेज रोशनी आती है तो बच्चा एकदम से डर जाता है, इधर उधर हिलने डुलने लगता है। कई बार क्या होता है, बच्चा गले में गर्भनाल भी फंसा लेता है। तो आपको कोशिश करनी कि अगर आपको ज्यादा धूप लगती है तो आप बाहर ना जाए, और साथ ही अगर आपको बाहर जाना भी पड़ जाए तो अपने पेट को अच्छे से स्टॉल वगैरह दुपट्टे से अच्छे से ढककर तब बाहर जाएं। क्योंकि क्या होता है, जब कुछ महिलाएं को ये प्रॉब्लम होती है कि उनका बच्चा हलचल नहीं कर रहा, तो क्या करते हैं, डॉक्टर एक टॉर्च होती है डॉक्टर के पास, वो आपके पेट पर डॉक्टर घुमा कर देखते हैं। उससे क्या होता है, बच्चा डॉक्टर ये देखते हैं कि आपका बच्चा इसको फील कर पाता है या नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चा जो रोशनी आपके पेट को भी पड़ती है तो बच्चा हलचल करने लगता है, बच्चा उस रोशनी के आसपास भागने लगता है। तो इसीलिए डॉक्टर चेक करने के लिए ये सब नोटिस करते हैं कि आपका बच्चा हलचल करता है या नहीं करता। तो फ्रेंड्स, जो टॉर्च होती है उसकी रोशनी कोई बच्चा पहचान लेता तो सूर्य की कितनी ज़्यादा तेज रोशनी होती है। तो आप कोशिश करें कि आप घर से तब भी बाहर जाएं, अपने पेट को अच्छे से कवर करके जाएं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ज़्यादा शोर वाली जगह पर नहीं जाना है। देखिए फ्रेंड्स, जब सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है तो उसी टाइम से बच्चा बाहर की आवाज़ें पहचानना शुरू कर देता है, वो माँ की आवाज़ें पहचानना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा कहीं पर जब लाउड म्यूजिक बजता है तो बच्चा जल्दी से हलचल करने लग जाता है, बच्चा पेट के अंदर विचलित हो जाता है। तो आपको कोशिश करनी है ज़्यादा शोरगुल वाली चीज़ों के पास ना जाए, उससे क्या होता है, बच्चे के हार्ट रेट भी बढ़ जाते हैं और साथ ही जो बच्चे का बहरेपन होने का खतरा भी बढ़ जाता है। क्योंकि ये एक शोध में पाया गया कि जहां पर भी अगर महिलाएं ज्यादा शोर वाली जगह पर जाती हैं तो उससे क्या होता है, बच्चे का बहरे होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आपको कोशिश करनी है कि ऐसी चीजों में प्रेगनेंसी के जब सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है उसके बाद आप ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां पर ज्यादा शोर हो, ज्यादा भीड़ हो। थर्ड है फ्रेंड्स, प्रेगनेंट महिला का टेंशन तनाव लेना। देखिए मैंने इसकी ऑलरेडी वीडियो बना रखी कि प्रेगनेंसी में अगर आप टेंशन तनाव लेते हैं तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर माँ टेंशन में रहती है, तनाव में रहती है, तो एक ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जो गर्भनाल के द्वारा बच्चे तक पहुंचता है और इससे बच्चे के ऊपर साइड इफेक्ट पड़ता है। आपके बच्चे का समय से पहले भी डिलीवरी हो सकती है, बच्चे की जो माइंड होती है उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो आपको कोशिश करनी है कि प्रेगनेंसी के अंदर हमेशा खुश रहिए और साथ ही अच्छी अच्छी चीज़ें सोचिए, अच्छी अच्छी चीज़ें अगर आप फील करेंगे तो आपका बच्चा भी खुश रहेगा, साथ ही बच्चे का जो ब्रेन डेवलप होता है वो भी अच्छे से होगा, बच्चा बुद्धिमान बनेगा। आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी अच्छी चीज़ देखिए, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचिए। आपके हाथ में होता है, जब आपका बच्चा गर्भ में होता है आपके हाथ में होता है बच्चे को आपको कैसा बनाना। तो जब प्रेगनेंसी होती है कोई भी टेंशन तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना, हमेशा हैप्पी रहना है।
और चीज़ होती है कि ज़्यादा मसालेदार वाला खाना, तली भुनी वाली चीज़ें आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी है। देखिए, अगर आप ज़्यादा जो चटपटी चीज़ें होती है या तली भुनी चीज़ें खाते हो, तो आप सभी का पता हुआ डायरेक्ट इनडायरेक्ट बच्चे तक हम जो भी खाते वो पहुँचता ही है। तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी जो बच्चे को डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप सभी को पता होगा जब बच्चा पैदा हो जाते तभी माँ को भी जो लाल मिर्च वगैरह तली भुनी चीज़ें बंद करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि वो बच्चे को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती। लेकिन महिला क्या करती है कि अपने स्वाद के चक्कर में ये चीज़ें खाती रहती है, जिससे बच्चे के ऊपर साइड इफेक्ट पड़ता है, बच्चे का जो विकास होता है वो कम हो जाता है, बच्चे का वजन कम हो जाता, कई सारी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको कोशिश करनी भी कोई भी ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ें ना खाएं, कोई भी बाहर की चीज़ें तली भुनी कोई भी चीज़ें ना खाएं, ताकि आपके बच्चे का अच्छे से विकास हो सके। आप हेल्दी डाइट लीजिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती खाने के लिए, आप वो खा लीजिए। आप सैलेड खा सकते हैं उसको अच्छा सा टेस्टी सा बनाकर। और फिफ्थ चीज़ है कि आपको जोर जोर से हंसना नहीं है। देखिए, प्रेगनेंसी में खुश रहना और हंसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आपको इतना भी ज़्यादा नहीं हंसना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम हंसकर बिल्कुल लोटपोट हो जाते हैं। आपको वो वाला बिल्कुल भी नहीं हंसना, उससे क्या होता है गर्भ में बच्चा डर जाता है, बच्चा एकदम से शांत होता है, और एकदम से आप इतनी ज़्यादा तेज से आप ज़्यादा तेज़ बोलते हैं या आप ज़्यादा तेज़ से हंसती हैं, तो इससे बच्चे को क्या होता है बच्चा डर जाता है। और जब 8वां 9वां महीना शुरू हो जाता तब आपके गर्भ में इतनी जगह नहीं बचती कि बच्चा अच्छे से मूव कर पाए, तो उस टाइम क्या होता है बच्चा अपने हाथ पैर मारने लगते हैं, साथ ही गर्भ के अंदर बच्चा रोने भी लग जाता है। तो आपको इतना भी ज़्यादा नहीं हंसना कि बच्चा गर्भ के अंदर डर जाए। आप खुश रहिए, हंसिए, लेकिन एक लिमिट के अंदर, इतना ज़्यादा हंसिए मत कि बच्चा डर जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी 5 गलतियाँ जो आप प्रेगनेंसी में अक्सर करती रहती है। लेकिन क्या होता है हम छोटी छोटी गलतियों को नोटिस नहीं करते, हमें पता ही नहीं होता कि इनसे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जो ये 5 गलतियाँ आई होप कि अब आप नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन? अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।